नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मनोज पाल, आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। जनता मन बना चुकी, इस बार नेता नहीं बेटा चुनेगी बंटी पटेल। मैं किसान का बेटा हूं, किसानों का दर्द अच्छे से समझता हूं, इसका इलाज क्या हो सकता है ये भी जानता हूं। चौरे विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बंटी पटेल ने गुरुवार को पांचोराम में नुक्कड़ सभा के दौरान कही। श्री पटेल ने कहा कि चौरे विधानसभा में माछा घोरा बांध तो बना, लेकिन अब भी सैकड़ों गाँव है जहाँ बांध का पानी नहीं पहुँच रहा। मुझे जनता आशीर्वाद दे रही है, मैं विश्वास दिलाता हूँ माछा घोरा बांध का पानी चौरे विधानसभा के हर गाँव तक पहुँचाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने पर ही किसान का चमक सकता है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से किसानों के हित के लिए संघर्ष किया। चौरी विधानसभा क्षेत्र चौरी चांद बिछुआ खमार पानी सैकड़ों गांव की जनता जानती है। वह मन बना चुकी है कि इस बार नेता नहीं बेटा ही चुनेगी। अपने चुनाव चिन्ह ट्रक के साथ बंटी पटेल ने शुक्रवार के दिन घाट कामठा धौलपुर निवारी जामुनिया खुर्द सिरेपानी कुर्सीपार सेमटोला बाछेरी कलाबड़गुही आदि में जनसंपर्क किया। प्रत्याशी हूँ विधानसभा चौरी 124 से, और जनता का प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक है, इसकी बटन 7 नंबर की है जी। भैया, अभी चौरी विधानसभा में कितने गांव में आपके द्वारा जनसंपर्क किया गया और लोगों का कैसा संदेश आपको मिल रहा है? करीब 150-160 गाँव में मैं पहुँच चुका हूँ। अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, लोग मेरे साथ हैं। लोगों के लिए मैंने पिछले जो 15 सालों में उनकी लड़ाई लड़ी है, चाहे किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, लड़ाई लड़ के उनका हक मैंने उन्हें दिलाया है। इसी कारण लोगों में मुझे विश्वास है कि आगे मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा, तो लोग अपने आप मेरे साथ आ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाली जो 17 तारीख है उसमें इतिहास चौरी विधानसभा में रचा जाएगा। छिंदवाड़ा जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनेगा। भैया, चुनाव को लेकर आप किन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? मैं जनता का नेता हूँ, जनता के मध्य आज माछा घोरा डैम के पानी की बात है। चार बिछुआ चौरी के प्रत्येक ग्रामों में माछा घोरा डैम कन्हान डैम से पानी पहुँचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। किसानों को समय पे खाद मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, बिजली की पूर्ति दिन में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, साथ ही उनके जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो तत्काल बैठ जाए, गरीबों के गरीबी रेखा के कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, पेंशन की बात हो, ऐसे जो मुद्दे हैं इनको लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। पानी, सड़क, ये भी प्राथमिकता है। प्रत्येक ग्राम में बिना फ्लोराइड का पानी, फ्लोराइड वाला पानी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लोगों के टीथ खराब, दांत खराब हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है कि पूरे जो 325 गाँव हैं चौरी चांद बिछुआ के, प्रत्येक गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमारे ग्रामीण लोगों के लिए हो जी। चौरी विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य होना बाकी है अभी तक? विकास कार्य की बात, हमारे रोजगार के कोई साधन हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे जो नए बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, इनके लिए रोजगार के एक भी अवसर चौरी विधानसभा में नहीं है। आप देखें, बिछुआ की बात करें, चांद की बात करें, चौरी की बात करें, यहाँ कोई अवसर नहीं है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि यहाँ अच्छे प्लांटों की स्थापना कराकर और उन्हें रोजगार के साधन में उपलब्ध करा पाऊँ। किसानों के लिए जो गन्ना है, जो मक्का है, गेहूं है, धान है, जो फसलें होती हैं, इनको लेकर यहाँ कोई अच्छे प्लांट्स खुल जाए तो उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मिल पाए, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। और गरीबों के लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ, आगे भी लड़ूँगा। कांग्रेस पार्टी में भी आपको वोट नहीं, प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह? अब वो जो चुनाव प्रबंधन समिति हैं, अध्यक्ष जी हैं, वो उनका मामला है। हो सकता है मेरे में कोई कमी रह गई हो, इस वजह से मुझे उन्होंने नहीं चुना है। तो मैं लोगों के कहने पर मैदान में हूँ और मैं पब्लिक का प्रत्याशी हूँ, खुद प्रत्याशी नहीं हूँ, लोगों के कहने में प्रत्याशी हूँ और उनकी लड़ाई को आगे लड़ूंगा, उनको मेरे ऊपर विश्वास है। जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं तो निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बंटी पटेल को आपने पिछले 15 से 20 सालों में देखा है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, और आपको जो विश्वास है कि वो आपके लिए करेगा, तो 17 तारीख को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ट्रक की बटन दबाएं, ट्रक को दौड़ाएं, लोगों को धूल चटाएं। आज जो मठाधीश वाली व्यवस्था चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए
हम सब युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है, भविष्य जो है, वो युवाओं का है। हमने एक पीढ़ी ख़राब कर चुके हैं, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी दिक्कत में आ जाएगी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को, अपने भाई, अपने दोस्त को आगे लाए और चौरी चांद बिछुआ का चौमुखी विकास करने के लिए संकल्पित हो। चौरी विधानसभा की वर्तमान प्रत्याशी आपको जी, जो वर्तमान विधायक है जी, उनके द्वारा चौरी विधानसभा में अभी तक विकास कार्य से नाराज होते जनता, जो आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, ये तो आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि वो 5 साल विधायक रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो चूंकि एक प्रतिद्वंदी के रूप में हूँ तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना ज़्यादा नहीं समझता हूँ। उन्होंने जो किया है उनका फल उनको मिलेगा। लगातार खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे KKR न्यूज़ चैनल से। देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।